हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बट पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो लोग यहाँ पर नए आए। मैं आप लोगों को बता दूँ कि टर्म वन और टर्म टू के बारे में तो आपको लोगों को पता ही होगा, मतलब कि CBSE Class 10 बोर्ड के एग्ज़ाम्स 2 टर्म में चेंज कर दिए गए हैं। एक टर्म होगी नवंबर दिसंबर और एक होगी मार्च अप्रैल। तो जो नवंबर दिसंबर वाली है वो पूरी की पूरी MCQ बेस्ड होगी, बट MCQ बेस्ड तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके लिए CBSE एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, CBSE एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा है कि आपको कोई और बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ NCERT की बुक को लाइन टू लाइन रीड करो, क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। बट हाँ, और मैं बता दूँ कि जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन देख के यहाँ पर आए हो, मैं लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, फ्री में नोट्स देता हूँ, सॉल्यूशंस भी एकदम फ्री होते हैं, और बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम है बस, बाकी और कुछ नहीं। एंड एनी मोर, और आज एक और नई चीज़ है, नई चीज़ ये है कि मैं हमेशा लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, फिर अपलोड कर देता हूँ, और फिर उसमें नोट्स और कोई भी अगर एक्स्ट्रा ओवर अटैचमेंट होता है तो वो भी डाल देता हूँ। बट आज आज कुछ डिफरेंट है, आज कुछ ऐसा है जो कोई सोच भी नहीं सकता। और आज अपन वो पढ़ेंगे जिसके बारे में सब लोग ओवर एक्साइटेड हैं, जो कि है हाउ मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट, मतलब कि नींबू पानी वाला, कि हाउ मेटल रिएक्ट विद नींबू पानी। नींबू पानी वाले को तो बाढ़ में जान देते हैं एक बार के लिए, और मेटल्स को भी अपन बाढ़ में जान देते हैं। अभी का मेन कंटेंट ये है कि एस की एग्ज़ाम MCQ बेस्ड पे होंगे। आई थॉट कि सिर्फ लाइन टू लाइन रीड करना काफ़ी नहीं होगा, और मैंने बहुत ढूंढा वेबसाइट्स पे, फिर मेरे को नहीं मिला वेबसाइट। एक वेबसाइट ऐसी थी जिस पे ऊपर लिखा हुआ था 99 MCQs क्वेश्चन, क्लिक किया, वहाँ पे लिंक था उसके ऊपर क्लिक किया, फिर एक और लिंक आया उसके ऊपर क्लिक किया, ऐसे करते करते मैंने 12 लिंक के ऊपर क्लिक किया, पर MCQ का PDF मुझे नहीं मिला। फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं आ जाता हूँ किसी ऐप में देखता हूँ। तो ऐप, टीचिंग वाले ऐप बहुत सारे, जैसे कि एजुमंत्रा है, वेदांत है, बायजूनस है, और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, तो उन सबको मैंने डाउनलोड किया। उसमें देखा कि कहीं पर MCQ प्रिपरेशन का हो, तो उसमें किसी में भी था, किसी में था, पर जिसमें था उसमें प्रो सब्सक्रिप्शन लो तभी जाके मिलेगा। मैंने कहा भाई MCQ है, इसमें यह प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए, पर नहीं, लोगों के लिए ऑल थिंग इज मनी। और फिर मैंने बहुत ढूंढा पर मेरे को नहीं मिला। फिर मैंने एक सिंगल पेज सर्च किया, ठीक है सिंगल पेज मिल गया। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे पेजेस को सर्च किया, और उनके मेरे मेरे जो PDF क्रिएटर है उसमें मैंने टाइप कर दिया। एस की ये पूरा का पूरा मैंने बनाया, तो इसको थोड़ा सा, मतलब छोटा ही है, क्योंकि वो लोग तो वो सही, तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाता था, इसमें आधे मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं, बट ये बहुत ही अच्छे हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि क्या केमिकली रस्ट इज, अब केमिकली रस्ट क्या होता है, रस्ट तो रस्ट होता है, नहीं रस्ट रस्ट नहीं होता, वो हाइड्रेट फेट्रिक एस ऑक्साइड होता है। ये क्वेश्चन बुक में हमने पढ़ा होगा बट इतना पेजे में गया नहीं। इसीलिए MCQs बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू सोल्डर प्रोन्स ब्रास या फिर बेल मेटल, तो वो है सोल्डर। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, और फिक्र मत करो मैथ्स के तो मतलब 54 पेज के। एंड मैं इसका एक ऐप है वो मैं आपको बता देता हूँ, उस ऐप से आप पूरे, मतलब उस ऐप का है ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप सारे, मतलब सारी चीज़ों को फ्रीली एसेस कर सकते हो। यहाँ स्टार्ट हो जाती है हमारी मेन बात, बिना किसी बकवास, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो ऐसा है, मेटल को नींबू पानी में डालेंगे, आखिर होगा क्या? चलो इसके लिए एक एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म कर कर देखते हैं। बट
उसको परफॉर्म एक बार मैं पढ़ लेता हूँ. टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल. एक क्लीन वायर ले लो कॉपर का और एक आयरन नेल का. पुट द कॉपर, अब कॉपर वायर जो है उसको आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में और आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में. अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 20 मिनट्स. सो अब अपन को पता है कि इसकी ऑब्जर्वेशन कहाँ होगी. क्या ठीक एकदम एक्टिविटी के नीचे. रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म. इस लाइन को मार्क कर दो. वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन डेट ऑल मेटल्स आर नॉट रिएक्टिव. वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड. But all metals do not react with these reagents. So we are not able to put all the metals. Do not react with this. ठीक है, तो अपन अब बहुत सारे अपने ट्राई किया, सबके साथ किया, एसिड के साथ किया, वाटर के साथ किया, एयर के साथ किया, पर सारे एक चीज़ के साथ कभी भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया. बट अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ मेटल को रिएक्ट करना ही पड़ेगा. तो अब ऐसा है कि सैंपल्स वी हैव कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से एमसीक्यू के जैसे जॉइंट करके अब ये अपन को दिखा रहे हैं. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, वो एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम द सॉल्यूशन इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी. इसका मतलब है कि अगर ए बी को हटा देता है तो वो रिएक्टिव है. जैसे कि देख लेते हैं कि ए जो है वो आकाश नाम का एक भोला सा बच्चा है और बी जो है वो भोला नाम का एक बच्चा है जो बिल्कुल भी भोला नहीं है. हाँ, बी जो है वो एक भोला नाम का बच्चा है जो बिल्कुल भी भोला नहीं है. नहीं, फिर ये तो उल्टा हो जाएगा ना. हमारा ए ख़तरनाक होना चाहिए. सो ए खतरनाक, हाँ तो ठीक है ये रहने देते हैं. तो आकाश नाम का एक बच्चा है जो खूंखार है, खतरनाक है, गुंडा है, और जहाँ पर एक बी नाम का बच्चा है जो कि एक भोला सा बच्चा है और तो और उसका नाम भी भोला है. तो ए बी को डरा के, बी को लात मार के उसके सीट से हटा देता है. ऐसे हमारी क्लास में भी खूब सारे होंगे, मेरी क्लास में तो थे. तो अब ये जो इसके नीचे की ब्लू लाइन है उसको अंडरलाइन कर दो. क्यों? क्योंकि विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन. तब कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर या फिर वायर? नहीं, कॉपर या फिर वायर नहीं, कॉपर या फिर आयरन. सो देखो, अगर अपन रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर देखें तो आयरन के बाद आता है कॉपर. इट मीन्स कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ना कि कॉपर. तो अब यह है द रिएक्टिविटी सीरीज. द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स इन 1.9 एंड 3.12. सारे जितने भी सीरीज है जो टेबल 3.2 में है उनको अपन कहते हैं रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज हैज बीन डिस्ट्रॉयड. सो इसका एक मैंने लर्न करने का एक अच्छा मतलब अच्छी टेक्निक बनाई है. तो इसमें क्या है कि कुछ लाइंस ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ मैच करती हैं. मैच करती है मतलब कि मतलब वो ग्रुप बनाने में एक्सपर्ट्स हैं. वेट अ मिनट. सो वो ग्रुप बनाने में एक्सपर्ट्स हैं. ओके, सो इसमें ऐसा है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अकेला, फिर कॉपर, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड. यानी कि इन दो के एक, मरकरी अकेला, कॉपर हाइड्रोजन एक, लीड जिंक एक, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एक, कैल्शियम और पोटेशियम एक. जस्ट दिस. तो इसमें ऐसा होगा, देखो तो मैं बता दूँ. देखो सबसे पहले आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
जिंक आयरन लीड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर एंड गोल्ड। अगर मैं इसको अरिथमेटिकली बोलूँ तो ऐसा हो जाएगा पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लीड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। सो इस टाइप से आपको आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। सो अभी कुछ क्वेश्चंस आ गए एंड आई थिंक ये इतने सारे क्वेश्चंस है कि टाइम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। सो फिर आएगी अकरेंस ऑफ मेटल्स। सो अभी तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी इसको टाइम लगेगा। और ये वाला टॉपिक कितना बड़ा है मैं देख लेता हूँ। अच्छा चलो थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। आखिर अब मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? तो ऐसा है, इसको याद करने से पहले पहले अपन चैप्टर नंबर 1 में चले जाते हैं थोड़ा से। उसमें क्या था, ऑक्टेन याद है, 9th में पढ़ा था। हाँ तो बस ऑक्टेन, किसी भी अगर कोई एलिमेंट ऑक्टेन कंप्लीट करेगा तो उसको या तो कोई एलिमेंट देना पड़ेगा या फिर कोई लेना पड़ेगा। अपन एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड में आखिर होता क्या है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है? सोडियम की वैलेंसी होती है 2, 8 और 1, ठीक है। एक मिनट यार, इसमें कहीं पे दिया होगा, इसमें कहीं तो होगा, ये रहा सोडियम। इसलिए है क्योंकि ईजीएस्ट है सबसे। तो सोडियम क्लोरीन, ठीक है, तो ये हो गया 2, 8, 1। तो अब एन ए जो क्या है, ये अगर दे रहा है इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है। अब मतलब इसने इसका ऑक्टेन कंप्लीट कर दिया। अब क्लोरीन के पास 7 है, उसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो ठीक है 8 भी दे दिए। सो ऐसे करके होता है कंप्लीटेशन। सो जस्ट लाइक दैट ऐसा ही हो रहा है इसमें भी। देखो तो इन द वो एक्टिविटी, जो इसके ऊपर वाली एक्टिविटी है, वी सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। व्हाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर? लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9th। एज आई हैव टोल्ड, we learn that noble gases which have a completely fixed valency shells show little chemical activity. We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valency shell. Let us have a look at the electronic configuration of the noble gas and some metals and non-metals. We can see from table 3.3 that, देखो table 3.3 से अपन को ये पता चलता है कि सोडियम एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और उसको उसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और वहीं जहाँ पर क्लोरीन की बात आती है तो उसको, सो ये एक टेबल है, इसके ऊपर 2 स्टार बना दो क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेन। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वेयर टू रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लूज्ड बाय सोडियम क्लोराइड, सोडियम कुड बी टेकन अप बाय द क्लोरीन। आफ्टर गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स एन यूनिट नेगेटिव चार्ज because its nucleus has 17 protons and there are 18 in the K, L and M shell. This gives us chlorine minus, yani ke negative ion. So both elements have a give and take relationship between them as follows. So sorry agar koi voice disturbance hua ho to, kuch fisal ke gir gaya tha and सो अभी सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर बाकी का चैप्टर जितना भी है कल कंटिन्यू रखेंगे। सो जिस पीडीएफ से हम लोग हर बार करते हैं उसमें हो चुकी है कुछ गड़बड़ी और उसमें सॉल्यूशन सही से दिखा नहीं रहा है, इसलिए मैंने एक वेबसाइट से ओपन किया है। चलो देखते हैं, व्हाई सोडियम कैप्ड इम्प्रेस्ड इन द केरोसिन ऑयल। सोडियम को उसमें कैप क्यों करके रखते हैं?
क्योंकि क्या है, सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, सो इट इज़ कैप्ड इन टू इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट रिएक्शन विद ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयन विद स्टीम। सो आयन विद स्टीम मतलब क्या होगा, H2O आयन ऑक्साइड ही बनेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, राइट। अब कैल्शियम एंड पोटेशियम के वाटर, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। सो देखो इसमें ऐसा होगा, सो ये रहा हमारा कैल्शियम, ये रहा हमारा वाटर, बट पोटेशियम अच्छा वो अलग है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पर पोटेशियम एक्सोथर्मिक है इसलिए वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा। सैंपल्स ऑफ द 4 मेटल ए बी सी डी आर टेकन टू एट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वन बाय वन। तो ये एक ऐसी एक टेबल है और इन्होंने सॉल्यूशंस लिए हैं आयन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। अब अपन को इस टेबल का यूज़ करके कुछ आंसर्स देने हैं। यूज द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ए बी एंड सी एंड डी, राइट। व्हिच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ही कौन सा। तो बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल बिकॉज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ आयन सल्फेट, यानी कि जो रिएक्शन आयन सल्फेट के साथ आयन सल्फेट को भी मार दे रहा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर भी नीचे आता है, जिंक भी नीचे आता है, सिल्वर भी नीचे आता है, अब आयन के साथ वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इट मीन्स कि वो आयन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। और इट मीन्स कि अगर देखो, मतलब कि जैसे कोई चैम्पियन है, ठीक है, किसी फील्ड का, और अगर आपने उस चैम्पियन को हरा दिया तो नेक्स्ट चैम्पियन कौन होगा, आप ही होंगे। तो बस इस टेबल का चैम्पियन है आयन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, पर इसमें जो बी वाला सॉल्यूशन है, यानी कि बी वाला जो मेटल है, उसने आयन को एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इट मीन्स कि बी तो आयन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बी को जब मैं, जो बी को अगर मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालूंगा तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि जो चीज़ आयन जैसे रिएक्टिव मेटल को के साथ डिस्प्लेसमेंट कर सकती है उसके लिए कॉपर क्या चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द मेटल्स ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो मेटल बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेस आयन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल बी इज लेस रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब कि इसके लिए अपन को रिएक्टिविटी टेबल देखनी पड़ेगी, जैसे कि आयन सबसे रिएक्टिव है तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट किसने किया, जिसने किया वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर के साथ किसने किया वो उससे नीचे, ऐसा। सो ये रहा हमारी क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड टू अ रिएक्टिव मैटर, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मैटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे क्लोरिक कैसे हो सकता है, H2SO4 है, HCl होता है ना शायद। केमिकल रिएक्शन विद आयन रिएक्ट डाइल्यूट H2SO4, यानी कि Fe प्लस H2SO4 इक्वल्स टू FeSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन का रिलेशन। ओ वाओ, चल बेटा चालू नहीं हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर टैप कर रहा हूँ बट ये दौड़ नहीं रहा पता नहीं क्यों। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयन सल्फेट, लेट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयन, क्या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयन से, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है यार। हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है ना।
अब तो ठीक है, तो ये दूसरे आ गए, तो बस इतना सब कुछ था। सो आज की क्लास हो चुकी है ख़त्म। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ यार इसको शेयर कर दो। और एक और खुशखबरी, 90 व्यूज़ हो चुके, मतलब 90 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। किसी दिन 90 व्यूज़ होने पे मैं खुश हुआ था, बट आज मेरे 90 सब्सक्राइबर्स हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैंने जो धन्यवाद दिया है उसकी चटनी बना के खा लीजिएगा। नहीं सॉरी, मतलब अब लास्ट तक तो किसने देखा होगा, सिर्फ एक या दो जने, या फिर शायद लिटरली एक जना। जिसने भी देखा है मैं कोड बताता हूँ, प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर लिखना। वो कोड है मेटल विथ नींबू पानी। इसको प्लीज़ कमेंट में लिखना ताकि यार पता चले कि कौन लोग लास्ट तक देख रहे हैं। खैर कुछ लोग तो स्क्रॉल करके लास्ट वाला पार्ट भी भूल। सो कल मैंने रिकॉर्डर में, मतलब नॉर्मल रिकॉर्डर में मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर देखी, तो वहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कि मेरी वॉइस क्रैक हो रही है, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, ये हो रहा है ऑटोमेटिक प्रॉब्लम की वजह से। मतलब कि मैं सांस, अगर मैं ज़्यादा देर तक बोलूँगा तो मेरे वोकल कॉर्ड को सांस प्रॉपरली नहीं मिलेगी, और ना ही तो मेरे ब्रेन को। और फिर वो मतलब या तो सिर्फ दो ही चीज़ें कर सकता है, या एक कस्टमर अटैक, या फिर वो कर सकता है वॉइस को क्रैकिंग। तो अभी भी मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही है, एंड माइक की इसमें कोई गलती नहीं है। माइक बेचारा मेरे सपने में आया था, मेरे को क्यों बदनाम कर रहा है भाई, मेरी क्या गलती है।